सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की लेसन में हम लोग बात करेंगे प्लिंथ बीम के बारे में, टाई बीम के बारे में, फ्लोर बीम के बारे में एंड डीपीसी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो दोस्तों, ये है ग्राउंड, ओके। तो इसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। तो पहला काम है देखिए एक्सकैवेशन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्सकैवेट कर लेंगे। तो दोस्तों, एक्सकैवेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट काम है पीसीसी बनाना, ओके। तो दोस्तों, पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ओके। तो दोस्तों, पीसीसी बन जाने के बाद इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे आरसीसी फुटिंग, ओके। तो दोस्तों, ये है आरसीसी फुटिंग। तो दोस्तों, फुटिंग का काम होता है बिल्डिंग में जितना लोड कॉलम के थ्रू आ रहा है इसको सेफली जमीन पे ट्रांसफ़र कर देना। तो ये है फुटिंग का काम। तो दोस्तों, फुटिंग बन जाने के बाद हम लोग कॉलम को ग्राउंड लेवल तक बना लेंगे, ओके। तो ये है दोस्तों आपका ग्राउंड लेवल। तो इसको हम लोग प्लिंथ लेवल भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, प्लिंथ लेवल में हम लोग कॉलम के बीच में बीम प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो दोस्तों, इस बीम को हम लोग बोल रहे हैं प्लिंथ बीम, ओके। अब फ्रेंड्स, प्लिंथ बीम का काम है कॉलम को कनेक्ट करना। दूसरा काम है इसके ऊपर जितना भी वॉल हम लोग क्रिएट करेंगे उस लोड को कॉलम के थ्रू एंड फुटिंग के थ्रू जमीन पे ट्रांसफ़र करना, ओके। और दोस्तों, साथ ही साथ ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसके वजह से बिल्डिंग का स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो दोस्तों, ये है प्लिंथ बीम का काम। अब दोस्तों, प्लिंथ बीम बन जाने के बाद हम लोग कॉलम को लिंटेल लेवल तक फारदर कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो ये है लिंटेल लेवल। तो यहाँ तक हम लोग फिर से कॉलम बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम लोग वॉल को क्रिएट करेंगे एक सर्टेन हाइट तक। अब दोस्तों, वॉल बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर डी पी सी कोर्स बनाएंगे। अब दोस्तों, डी पी सी का मतलब क्या होता है? दोस्तों, डी पी सी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, ओके। तो दोस्तों, जो लो लाइंग एरियाज होता है उनमें क्या होता है, बरसात के मौसम पे आपका पानी जम जाता है। अब दोस्तों, पानी इन वॉल के थ्रू ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, और दोस्तों इसका कारण है कैपिलरिटी, और इसके वजह से देखिए जो वॉल है वो आपका डैमेज हो जाता है, ओके। तो इससे बचने के लिए हम लोग डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं। अब दोस्तों, डैम प्रूफ कोर्स बन जाने के बाद हम लोग वॉल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ओके, लिंटेल लेवल तक। अब दोस्तों, लिंटेल लेवल पे हम लोग कॉलम के बीच में फिर से बीम प्रोवाइड करेंगे। तो इस बीम को हम लोग बोल रहे हैं टाई बीम। तो इनका भी काम है कॉलम्स को कनेक्ट करना, साथ ही साथ एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसके वजह से जो बिल्डिंग है इसका स्टिफनेस एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ओके। तो दोस्तों, देखिए जो टाई बीम होता है एंड जो प्लिंथ बीम होता है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग प्लिंथ लेवल पे बीम बना रहे हैं तब हम लोग इसको बोल रहे हैं प्लिंथ बीम। अगर दोस्तों फ्लोर लेवल एंड प्लिंथ लेवल के बीच में कहीं पर हम लोग बीम प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम लोग इसको बोलेंगे टाई बीम, ओके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है टाई बीम एंड प्लिंथ बीम के बारे में। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आपका टाई बीम बन जाएगा उसके बाद हम लोग फिर से कॉलम को कंटिन्यू करेंगे, ओके। और इसके बाद देखिए इसके ऊपर से हम लोग वॉल को कंटिन्यू करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लोग स्लैब कास्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, स्लैब कास्टिंग करने के वक्त हम लोग इसके साथ साथ फ्लोर बीम को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है स्लैब के ऊपर आपका जितना भी लोड आएगा तो ये इस लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र करेगा सेफली, और कॉलम इस लोड को फुटिंग में, और फुटिंग से लोड जमी पे ट्रांसफ़र होगा, ओके। तो दोस्तों, ये था प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम एंड फ्लोर बीम के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन पर।